मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखने वाले 39 जानी मानी हस्तियों के खिलाफ दर्ज राजद्रोह का मामला बंद करने का आदेश दिया गया है। मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आज इसे लेकर आदेश जारी किया है। साथ ही मामला दर्ज करने वाले अधिवक्ता सुधीर ओझा के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। बता दें कि स्थानीय वकील के अपील पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर पिछले हफ्ते सदर पुलिस थाना में FIR दर्ज की गई थी। आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर में श्याम बेनेगल और 28 अन्य हस्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। मणिरत्नम, अडूर गोपाल कृष्णन, सौमित्र चटर्जी, शुभा मुद्गल और इतिहासकार रामचंद्र गुहा भी शामिल है। इन हस्तियों ने PM मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा था, मुसलमानों, दलितों और अन्य अल्पसंख्यकों को भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या करना तत्काल रुकना चाहिए। बिना संतोष के लोकतंत्र नहीं होता है। जय श्री राम आज के समय में भड़काऊ नारा हो गया है। FIR को लेकर दिग्गज फिल्म मेकर श्याम बेनेगल ने कहा था कि भीड़ की हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर फिक्र जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया खुला पत्र महज अपील था, न कि कोई धमकी।